एनआरसी सीएए और एनपीआर का विरोध करने वाले इस वक्त जाफराबाद के जिस इलाके में मेट्रो स्टेशन जाफराबाद के नीचे मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनआरसी और सीएए का समर्थन करने वाली पार्टी भी मौजपुर पर आकर जमा हो गई है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां ये दूसरी पार्टी आकर जमा हो गई है और जय श्री राम जैसे नारे यहां सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां तैनात किया गया है ताकि स्थिति जो तनावपूर्ण है वो पूरी तरह से संभाले में आ जाए और हालात ख़राब ना हो पाए। ये हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त मौजपुर की जहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है और जो दूसरी पार्टी है जहाँ एक तरफ विरोध किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ समर्थन भी किया जा रहा है एनआरसी का और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हमें ये आतंकवादी कहते हैं, हम उनको कहाँ से आतंकवादी दिखते हैं, हम आतंकवादी होते तो आज ऐसे बैठे होते? हम ये कहना चाहते हैं हमारी माँ बहनों को कहते हैं शिक्षा करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, बेटी कैसे बचाएंगे ऐसे बचाएंगे, हमारी हमने हमारी माँ बहनों को रोटो बैठलवा दिया है, एनआरसी चालू कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? हमारे देश में फूट डालना चाहते हैं, हम गरीब लोग हैं समझे, हमें आतंकवादी कहते हैं क्यों कहते हैं? हमने क्या कई और भी इतने मुसलमान हैं जो पढ़े हुए बेचारे हैं उन सबको कहते हैं बेचारे आतंकवादी, आतंकवादी हम उनको आतंकवादी कैसे दिखते हैं? हम आतंकवादी होते तो हम ऐसे बैठे होते, हम ऐसे कहते हैं कि हमें एनआरसी लागू नहीं करी जाए नहीं करी जाए। जब हम बैठे थे तो यहाँ पर हम पे लाठी चार्ज हुआ, हमारी बहनों पे लाठी चार्ज हुआ, जिस कल रात में हुआ लाठी चार्ज जिससे हमारी बहुत सारी बहनें जख्मी भी हुई। ये बहुत ज़्यादा सरकार ने गलत किया है हमारी बहनों पे लाठी चार्ज करके, और हमारा सरकार से यही कहना है आप लाठी चलाओ बंदूक चलाओ या आंसू गैस छोड़ो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे लड़ते रहेंगे, ये संघर्ष हमारा है, हम अपने अधिकार के लिए ऐसे ही डटे रहेंगे। जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं ना, बड़े बड़े आंदोलन अचानक ही हुए हैं, अचानक ही बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और आंदोलन हुए हैं तो बड़े बड़े सैलाब आए हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम तो ये चाहते हैं कि सुकून के साथ में ये जो कानून है इसे वापस ले लिया जाए ताकि हमारे मुल्क में कोई बदअमनी ना हो, कोई झगड़े ना हो, हम अपने मुल्क में चैन और सुकून चाहते हैं, ये अंधे कानून का कोई ज़रूरत नहीं है। 70 साल में हमें कोई आज तक ऐसी बात नहीं सुनने को मिली है, अब हमें दुख होता है। अब देखिए जहाँ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सफाई के भी इंतजाम का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो यहाँ प्रोटेस्टर्स हैं वो तमाम लोग
सफाई के इंतजाम का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। जो पानी पिया गया है उसके जो पाउच फेंके गए हैं और जो चीज़ें खाई गई हैं वो जो फेंकी गई हैं उन तमाम चीज़ों को झाड़ू से साफ किया जा रहा है। प्रदर्शन करने के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल जाफराबाद के इस प्रोटेस्ट में रखा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं।